अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना वैलेंटाइन डे किस तरह से सेलिब्रेट किया और अपने हस्बैंड के लिए इस वैलेंटाइन डे पे क्या स्पेशल डिशेस बनाई। तो मैंने उनके लिए सबसे पहले बनाया ये स्पेशल ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने उनके लिए तीन किस्म के सैंडविचेस बनाए, फ्रूट बास्केट रेडी की और दो DIY बनाए, एक फ्लावर बुके एंड अ कार्ड। फ्लावर बुके का व्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। Now I'm making butter cookies for my husband. If you want complete recipe of butter cookies, please subscribe my channel. मैं बहुत दुखी हो गई हूँ क्योंकि मेरी कुकीज का ये हाल हुआ है। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि ये हमें कुकीज की रेसिपी सिखाएगी जिसको खुद कुकीज बनाना नहीं आते हैं। आई डोंट नो मेरे से कहाँ गलती हुई है जो कुकीज़ का ये हाल हो गया। अब मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, सारी दोबारा से बनानी पड़ेंगी। थैंक यू अल्लाह पाक, थोड़ा सा बेटर बचा था वरना आज मेरा इवनिंग का प्लान तो कम्प्लीटली फेल हो जाता। तो सेकेंड बैच इज़ रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड आई होप अब इसका वो हाल ना हो जो मेरी पहले वाली कुकीज़ का हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माय कुकीज आर परफेक्ट नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी। तो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना हाल ही के साथ पहले एक छोटा सा प्रैंक किया जाए इन जली हुई कुकीज़ को लेकर। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई और उस पर अपने फॉलोअर्स से पूछा कि मुझे इन दोनों में से कौन सा कॉफ़ी सेट सिलेक्ट करना चाहिए। तो उन्होंने जो कॉफ़ी सेट सिलेक्ट किया वो है ये। इवनिंग कॉफ़ी एंड कुकीज़ रेडी हैं, तो चलें अब देखते हैं हालार का रिएक्शन इन जली हुई कुकीज़ को लेकर। मैंने आपके लिए कुकीज़ और कॉफ़ी बनाई है। वेरी गुड, थैंक यू। कुकीज़ थोड़ी सी जल गई हैं। कौन सी है मेरी? कोई सी भी कुकीज़ तो देख लो पहले। कुकीज़ तो बहुत अच्छी हैं। ये अच्छी लग रही हैं तुम्हें? ये जल गई हैं? क्यों? क्यों क्या? पता नहीं। अभी हम ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ना। तुम ट्राई करने वाले हो ये जली हुई कुकीज़? हाला? Really? कॉफी दो ना मुझे बस। अच्छा वेट, ये प्रैंक था। मतलब ये कुकीज जल गई है लेकिन मैंने फिर दोबारा बनाई है, वो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा। तो ये वाली मत खाओ, रख दो इसको। ये लो भाई। वैसे ये भी ठीक है, कोई इसमें जायका तो है नहीं जलने का। अच्छा मुझे लगा ये जल गई है, मैंने ट्राई नहीं की। और ये है हमारी परफेक्ट कुकीज़ जो कि हालार को बहुत पसंद आई। वैसे तो उसको वो जलेबी भी पसंद आई लेकिन वो ऐसे ही कह रहा था आई थिंक। मेरे पास हार्ट शेप में कोई स्टेंसिल नहीं था तो इसलिए मैंने पेपर पे हार्ट कट करके इसको कॉफ़ी के लिए यूज़ किया। नाउ लेट्स मेक चिकन कबाब फॉर डिनर। चिकन कबाब रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कबाब भी बहुत अच्छे बने और हालार को बहुत पसंद आए। चिकन कबाब के साथ मैंने बनाया गाजर का हलवा फॉर डिनर, एंड डोंट वरी, गाजर का हलवा मेरी स्पेशलिटी है तो इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा ही बनेगा, आई एम श्योर। एंड द लास्ट डिश ऑफ टुडेज स्पेशल डे इज़ गाजर का हलवा विच इज़ अबाउट टू रेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है हमारी आज की लास्ट डिश, गाजर का हलवा। मेरे हस्बैंड को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। आई होप आप सबको भी अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।